ओए ओए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर किस तरह से रुके हुए हैं। ऊपर वाले का कर्म है भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे नहीं आए हुए, वरना बहुत नुकसान हो जाता है यार। आप देख सकते हैं ये जी, देखिए आप, होय 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 होय, कहाँ से नीचे आया है वो टावर, देखिए ऊपर कहाँ पे है। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर आया है यार। बारिशें हो और हमारे रामन मनिहाल सेक्शन में रोड बंद नहीं हो तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अभी के टाइम पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि कल जो है बारिश थी, रात को भी बारिश थी, पिछले एक दो दिनों से बारिशें चल रही है, लेकिन हल्की फुल्की थी, लेकिन शाम से जो है काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। और अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं भाई पूरा ट्रैफिक होकर रखा है। तो अभी तो गाड़ियाँ हल्की सी यहाँ वहाँ हिल रही है, लेकिन सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं गाड़ियाँ चल रही थी। अभी तो टाइम 2 बज रहे हैं अभी के टाइम पे, तो अभी जो है गाड़ियाँ हल्की सी चल रही है, क्योंकि स्लाइड जो है क्लियर करते हैं, क्योंकि यार देश का सबसे बड़ा हाईवे है, तो यार मेंटेनेंस जो है ना वो एकदम फास्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं भाई, बाकी यार व्यू अभी क्या ही दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि मैं काफी जो है अच्छी हाइट पे हूँ, तो यहाँ से काफी बढ़िया दिखता है। आप देख सकते हैं अभी मेरे घर से जो है किस तरह का व्यू दिखता है ये नेशनल हाईवे का, ये आप देख सकते हैं। बस इतना सारा सिर्फ रोड दिखता है यहाँ से, M3X पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी पूरा जो है ट्रैफिक पूरी तरह से स्टॉप है, ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ पूरी तरह से रुकी हुई है। और यहाँ पे आपको एक दो घर दिख रहे होंगे, और अभी जो है मैं जा रहा हूँ ये वाले रास्ते से, यहाँ से होके मैं जाऊँगा ये सामने से, और यहाँ से आपको एक छोटा छोटा रास्ता दिख रहा होगा, और वो आगे से होके फिर नीचे रोड तक। तो कम से कम जो है ऊपर से मुझे 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है। तो फिलहाल ये है कुछ मेरा गांव, और वो मेरा घर रहा वहाँ पे, और बाकी यहाँ से भी कुछ घर है और वो आगे भी। तो अभी जो है बारिश थी अभी तक, तो अभी जो है हल्का सा जो है वेदर क्लियर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है दिखता है हमारा गाँव। अभी आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी है हर साइड से, और जब जो है अभी जो है 1 महीने बाद आप देखेंगे ये कितना डेंस हो जाएगा, फिर जो है मैं वो ऊपर जाऊँगा एक दो फिर कभी, तो वहाँ से जो हमारे विलेज का जो है व्यू पॉइंट आप कह सकते हैं हमारे विलेज का, वहाँ से आपको दिखाऊंगा तो कितना खूबसूरत दिखता है हमारा विलेज। और ये जो पेड़ है ना इतने सारे एकदम डेंस दिखता है। तो फिलहाल यार हम बात करें, मैं जा रहा हूँ अभी नीचे नेशनल हाईवे पे, और आपको दिखाते हैं कि भाई कितनी खतरनाक लैंडस्लाइड आई हुई है यार। यहाँ से देखिए क्या ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है यार ये हाईवे का, और अभी के टाइम पे ना सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दिख रहा है यार ये, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो है एक स्लाइड आई हुई है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो है वहाँ से पास हो रही है एक साइड से ही। और हाँ, मैं आपको क्या दिखा रहा था, देखिए अभी पूरा 4-वे में जो है 4-वे में गाड़ियाँ चल रही है, 2-वे ये हो गया नीचे और 2-वे जो ऊपर है, तो यहाँ से बाकी आप देख सकते हैं सारे में से अभी के टाइम पे गाड़ियाँ चल रही है। तो अभी मैं जो है वो ऊपर से होके आया अपने विलेज से, तो यहाँ से इस तरह के कुछ रास्ते से, इस तरह के रास्ते हैं हमारे यहाँ गांव के, तो ये देखिए, और यहाँ से इन झाड़ियों में से होके मैं वहाँ से जाऊँगा, और वो वहाँ पर मेरा स्टॉप है वहाँ पर, फिर मेरे को वहाँ से आना पड़ेगा चल के यहाँ तक वो किश्तवाड़ी पत्थर तक। असली स्लाइड जो है वो उस साइड से, किश्तवाड़ी पत्थर के उस साइड, जो कि मेरे यहाँ से दिखता नहीं है, तो अभी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यार कितनी मेहनत है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत है, मतलब कितना जो है मैं पैदल सफ़र करूँगा आप लोगों को जो है ये चीज़ें दिखाने के लिए। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी जो है कुछ लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइड कहाँ पे आई हुई है। स्लाइड आई हुई है किश्तवाड़ी पत्थर के पास, जो रामसू से थोड़ा सा आ गया नाचलाना से, नाचलाना वाली साइड से, नाचलाना और शेर बीबी के बीच में, ठीक है। तो अभी जो है वहीं पर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो कल ही देखेंगे तो देखते हो कि भाई स्लाइड कहाँ पर आई हुई है। तो अभी के टाइम पर मैं शेर बीबी नाचलाना के बीच में हूँ, तो अभी जो है फिलहाल मैं चलता हूँ। तो यार यहाँ से देखिए क्या ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार, तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये कर्व्स देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये देखिए मेरे सामने ही स्लाइड आई हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, और सामने जो है ऊपर टावर है, और जो टावर की देख रहे हैं ना ये जो ये वायर्स वहाँ पे, इन्हीं से जो है हमें लाइट आती है। तो अभी जब अगर और अच्छी मतलब और स्लाइड अगर आई तो टावर और नीचे आ जाएगा, और हम तो है लाइट से भी कट जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से देखिए आप, मतलब भाई हमारे यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब आप पूछो ही मत, तो क्या ही कर सकते हैं यार। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने, मेरा जो स्टॉप है वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप है, और अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं एक साइड से जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और इस साइड से चल रही है। ओह, तो फिलहाल जो है ये वाला जो टू लेन है अभी के टाइम पर, यहाँ से तो गाड़ियाँ चल नहीं रही है, लेकिन आगे तो हैं, वो आगे आप देख सकते हैं। और मैं जो अभी आपके साथ वहाँ से बातें कर रहा था, वो ऊपर यहाँ पे, यहाँ कहीं जहाँ भी नज़र आ रहा हो आपको, तो यहाँ कहीं से मैं बातें कर रहा था आपके साथ, वो ऊपर से। तो फिलहाल यहाँ से अभी हल्की हल्की गाड़ी जो है चल रही है एक साइड से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बाकी आप यहाँ से देख ही सकते हैं इस तरह का क्या है। तो ये देखिए फिलहाल ऐसे में चलना है यार,
शूज का सत्यानाश हो जाता है, बट इट्स ओके, चलता है यार, सब कुछ चलता है। लेकिन जब ये ट्रैफिक में बंदा फंसता है ना यार, इतना बोर हो जाता है इंसान कि आप पूछो मत यार। और ऊपर से जब आप कुछ रिस्की जगहों पे फंसते हैं तो वहाँ पे बोर होने के साथ साथ तो डर भी लगता है, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आप फंसते हैं तो यार डर तो लगेगा ही, क्योंकि आप देख सकते हैं डर रहता है कि भाई कब जो है पहाड़ी नीचे आ जाए, और खुदा ना करे कि कुछ हो जाए। बट क्या ही कर सकते हैं यार, हमारे यहाँ से तो ये प्रॉब्लम है ही। तो अभी मैं खुद जो है ध्यान से चलता हूँ यार, अभी तो शूज वूज सब भर के आ जाएगा यार। बाकी ट्रैफिक को एक सेकंड के लिए साइड पे छोड़ते और आप एंजॉय करिए कि कितना खूबसूरत वाटरफॉल है यार। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त बोलते हैं ना कुछ लोग, ज़बरदस्त दिख रहा है ये देखिए भाई। और बाकी यहाँ से देखिए कहाँ कहाँ घर से घर है, ये देखिए आप। मैंने तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया, बट फिर भी अभी भी दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल किश्तवाड़ी पत्थर के सामने पहुंचने वाला हूं। तो ये आप देख सकते हैं यहां से जो है, ये जो स्लाइड आती है इसको रोकने के लिए किस तरह की टेक्निक यूज़ की गई है, ये आप देख सकते हैं। ये फेंसिंग जो है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सही है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती है स्लाइड को रोकने के लिए। लेकिन बारिश जैसे ही दिखती है इसको तो भाई ये आज स्लाइड आ जाती है। तो फिलहाल यार मैं ये देखिए मेरे सामने ही आपको स्लाइड दिखेगी, ये यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं ये जी, देखिए आप कहाँ से नीचे आया है, वो टावर देखिए ऊपर कहाँ पे है। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर आया है यार। तो ये मिट्टी विट्टी का तो चलेगा, ये तो जल्दी क्लियर हो जाता है, लेकिन भाई ये जो पत्थर है ना बड़े बड़े, इनको क्लियर होने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये आप देख सकते हैं भाई, शुक्र है यार फिर भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है गाड़ियों के ऐसे, वरना ऐसे तो भाई बहुत डर लगता है। वहां से आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल किश्तवाड़ी पत्थर के सामने मैं पहुंच रहा हूँ। ओए ओए ओए, ये देखिए भाई, मैं तो डर रहा हूँ यार। और ये देखिए यार भाई, ये कितना डरावना है, ये सामने आप देखिए यार, ओह ओह कितना रिस्की है। और आप देख सकते हैं नीचे भी कुछ छोटे छोटे पत्थर आए हुए हैं, भाई मुझे तो खुद डर लग रहा है चलने से यार। ओए 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 ओए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यार किस तरह से कटिंग की गई है यार, बहुत डर लगता है यार देख के। ये आप देखिए भाई, ओह भाई मैं तो अगली साइड से चल रहा हूँ, भाई खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के चक्कर में भाई मोई मोई हो जाएगा। और ये देखिए भाई यहाँ से, ओह हो फिलहाल अगली साइड से तो गाड़ियाँ रुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं सेम टेक्निक यूज़ की गई है, ये आप देख सकते हैं फेंसिंग पूरी तरह से। और आप मेरे हाथ में जो कैप देख रहे होंगे कि भाई इसका क्या यूज़ है, ये तो मुझे दोस्त को देनी है तो यार हाथ में रख रहा हूँ इसीलिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं यार, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ऊफ ये देखिए भाई। लेकिन फेंसिंग आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से की हुई है यार, मतलब कहाँ कहाँ तक लोग चढ़े हुए हैं भाई, क्या बात है ये देखिए। लेकिन इनको कोई नहीं रोक सकता भाई, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ करो भाई, ये तो आएंगे नीचे, क्योंकि भाई नेचर के साथ, क्योंकि भाई नेचर के साथ छेड़खानी करना तो भाई ये तो वापस मुड़ के बोलेगा ही। ये यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत हाई, आप देखिए क्योंकि यहाँ से जो आप देख सकते हैं 4 लेन है, ये टू लेन, और जो सामने से जो निकलता है ना, जहाँ पे दोनों साइड जो है मिलते हैं, वो सामने वहाँ पे, और वहाँ पे जो ये ट्रैफिक लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ऊपर से स्लाइड आई हुई है। मैं जो अभी आगे जाने का ट्राई करूँगा, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है खड़ा होने की। तो ये आप देख सकते हैं, फिर भी मैं आगे तक चलने की कोशिश करता हूँ यार, तो देखते हैं ज़रा क्या है। बाकी यार भाई ये आप देख सकते हैं क्या ही सीन है यार, देखिए कितनी खतरनाक कटिंग की हुई है। तो फिलहाल मैं आगे तक, ये यहाँ से ही आप देख सकते हैं, ये स्लाइड में आपको दिखा रहा था, ये आप देख सकते हैं यहीं पे जो है सबसे बड़ी स्लाइड आई हुई है, जो भी है स्लाइड है छोटी है बड़ी है यही है। फिलहाल यार मैं क्रॉस करता हूँ अगली साइड से और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से JKSRTC की बस भी जाते हुए। JKSRTC की बसें मुझे बहुत पसंद है यार। सर जुबैर भाई सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपके? सर बस सर बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। ये ड्यूटी है यहाँ पे? हाँ सर ड्यूटी यहीं पे है। कब से है ये स्लाइड, कब आई हुई है? सुबह से चल रहा है, मतलब गाड़ियाँ बंद है सुबह से ही है, अभी अभी चली है, अभी स्टार्ट हुआ है, 5-10 मिनट हो गए है ना। हाँ जी, मैं भी वो वहाँ से देख रहा था। तो ये यहाँ से JKSRTC की बस जाते हुए, JKSRTC की बसें बहुत पसंद है यार।
तो ये देख सकते हैं अब किस तरह का टायर हो रही है। अच्छा वो वहां से है ना, ओए ये आप देख सकते हैं पत्थर किस तरह से रुके हुए हैं। ऊपर वाले का कर्म है भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे नहीं आए हुए, वरना बहुत नुकसान हो जाता है यार। बाकी यहाँ से आप देखिए क्या ही सीन है भाई, डर लगता है यार देख के ही। फिर जो लोग बेचारे बाहर से आते होंगे उनका क्या ही हाल होता होगा। बाकी ये भाई साहब यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लोगों की सहूलियत करते हैं आप लोग। तो यार पिछले एक दो महीने पहले जब स्लाइड आई हुई थी ना यहाँ से, तो रोड जो है यहाँ से जाया करता था, यहाँ से दरिया से। तो अभी बारिशें जब हुई तो फिर ये भी बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे पहुंचे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो यार अभी आप देख सकते हैं बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, और वो आप देख सकते हैं ऊपर पत्थर किस तरह से रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही बारिश आएगी, जैसे ही मिट्टी खिसकेगी, तो दोबारा से जो है ये बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आ जाएंगे, और वी रियली होप कि यार नुकसान ना हो यार कुछ भी। तो यहाँ पे ये लोग है यार रुकाने के लिए, तो ये बेचारा फंस गया उधर। तो ये आप देख सकते हैं यार, और वहां पे देखिए रोड कैसा है भाई, वो भी निकलने वाला ही है बस। ये देखिए यार मैंने अभी ये स्लाइड क्रॉस की है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी के टाइम पे जो है वेदर थोड़ा सा क्लियर हो गया है, और गाड़ियां जो है फिर से चलना शुरू हो गई। तो यार लेकिन एक चीज क्या है, जब इन लोग को जो है खाली रोड दिखता है तो भाई ये इतना तेज चलते हैं ना, और आज के टाइम पे रोड इतने खराब है तो ध्यान से जो चलना होता है। और भाई मेरे तो मेरा शूज और पेंट तो भाई पूरी तरह से खराब हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए इसी नेशनल हाईवे का। और अभी यहाँ से जो है 4 लेन बनानी है बस, सामने तक जहाँ पे स्लाइड आई हुई है वहीं तक जो है 4 लेन कंप्लीट है, किश्तवाड़ी पत्थर तक। तो किश्तवाड़ी पत्थर से लेकर रामसू तक अभी ये जो है पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है। ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। और मुझे ना भाई हंसी आती है यार, पहले ना ये रोड यहाँ से बनाया था, मतलब जो नीचे काम चल रहा है, फिर ये निकल गया सारा का सारा, और फिर जो उस साइड से बनाया। तो मतलब ये लोग जो है भाई, मैं बोलना नहीं चाहता किसी का यार, मतलब मुझे किसी कंपनी के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई कोई भी कंपनी काम अच्छे से नहीं करती है यहाँ पे, बस अपना टाइम निकालते और भाग जाते हैं, और हम लोग को फिर ये सब झेलना पड़ता है। तो ये ही आप देख सकते हैं यहाँ से भी अभी पूरा टू वे ही है, और ये जो है यहाँ से बाकी टू वे बन रहा है। पिलर्स आप देख सकते हैं, और ये फ्लाईओवर जो है ये किश्तवाड़ी पत्थर से लेके रामसू तक इसी तरह का है। तो ये काफी बड़ा फ्लाईओवर है यार, जो अभी तक पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है, बस पिलर्स सिर्फ खड़े हुए हैं, और एक जगह पे जो है गाड़ी डाले हुए हैं वो आगे। तो बाकी यार यहाँ से आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड है ये टू वे, जो कर्व्स पे जो है काफी मुश्किल। अभी क्या है जैसे एक दो बारिश आती है ना, तो बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स आती है। ये क्या है कि जो नई नई कंपनीज आई, मतलब जो ये 4 वे का काम चल रहा है, ऐसी ना टेम्परेरी रोड्स बनाते हैं, जैसे ही अपना काम हो जाता है तो फिर भाग जाते हैं, और फिर हम जैसे लोगों का कटता है, फिर हमें ये स्ट्रगल करना पड़ता है इतना सारा, तो क्या ही कर सकते हैं यार। तो फिलहाल अभी के टाइम पे आप देखो यार, रात से जो है ये गाड़ी इसी तरह से रुकी है, अभी बस हल्की हल्की सी चल रही है, चल क्या रही है, हिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रोड जाता है खड़ी के लिए, रेलवे स्टेशन खड़ी जो नया बना है, यहाँ से ये वाला रोड। और ये देखिए आप यहाँ से, बाकी यहाँ से दरिया भी जाता हुआ, और ये जो पिलर्स मैंने आपको बताया ये है रामसू फ्लाईओवर, तो किश्तवाड़ी पत्थर से लेके रामसू तक। तो बहुत ही सही है भाई। तो फिलहाल यार यही था आज का, जो स्लाइड लाइट का जो भी था जितना था सब आपको दिखा दिया। तो फिलहाल भाई है दोस्तों।